नमस्कार, मैं हूं देवांगी मोइत्रा। किस्मत एक ऐसी चीज है जो किसी को भी अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पर पहुंचा देती। कहते हैं किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिला। जो इंसान के भाग्य में लिखा होता है होता वही है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी एक एक्टर रहे जिन्होंने इस इंडस्ट्री में अपना शानदार योगदान दिया। मजदूरी करने से लेकर एक बड़ा स्टार बनना, फिर मुंबई की चौल में रहने तक का सफर। इस एक्टर ने सभी तरह का समय देखा। जिस एक्टर को बॉलीवुड का भगवान कहा गया, उन्हें एक फिल्म ने अर्श से फर्श पर ला दिया। बॉलीवुड के शुरुआती दिनों में इसे खड़ा करने में कई लोगों ने योगदान दिया, जिन्हें बाद के एक्टर्स ने भी फॉलो किया। ऐसा ही एक नाम है भगवान दादा का। फिल्म इंडस्ट्री के पहले डांसिंग और एक्शन स्टार भगवान दादा को फिल्म इंडस्ट्री का भगवान कहा गया। 1 अगस्त 1913 को जन्मे भगवान दादा का पूरा नाम भगवान आभाजी पालव था। भगवान दादा ने शुरुआती दिनों में मजदूरी करके गुजारा किया। बाद में फिल्मों के शौक के कारण वो एक्टर बने। उनके डांस के स्टाइल को आज तक कॉपी किया जाता है। भगवान दादा ने मूक सिनेमा के दौर में फिल्म क्रिमिनल से डेब्यू किया। उनकी पहली बोलती फिल्म थी साल 1934 में आई हिम्मते मर्दा। इस फिल्म में उनके साथ ललिता पवार नजर आई थी। भगवान दादा ने एक के बाद एक कई हिट फिल्में की। कहा जाता है कि उन्हें शेवरले कारों का शौक था और उनके पास लेटेस्ट डिजाइन की 7 कारें थी। वो हर रोज सेट पर नई कार से जाते थे। वो हॉलीवुड एक्टर डगलस फेयरबैंक्स के फैन थे। वो बिना किसी बॉडी डबल के अपने स्टंट खुद किया करते थे, जिसकी वजह से उनके स्टंट काफी असली लगते थे। राज कपूर उन्हें इंडियन डगलस कहते थे। भगवान दादा लाजवाब डांसर भी थे। उनके डांस स्टेप्स को अमिताभ बच्चन, गोविंदा और मिथुन भी फॉलो करते थे। फिल्मों में काम करते करते उन्होंने मेकिंग भी सीखी। 1931 से लेकर 1996 तक, यानी करीब 65 साल तक उन्होंने एक्टर, डायरेक्टर और कॉमेडियन के रोल में काम किया। भगवान दादा ने डायरेक्शन के तौर पर अपनी पहली फिल्म बहादुर किसान बनाई थी। वहीं उन्होंने हॉलीवुड फिल्म डोरथी लेमोर की रीमेक तमिल फिल्म वाना मोहिनी का डायरेक्शन किया, जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण फिल्म है। राज कपूर के सलाह पर भगवान दादा ने अलबेला बनाई, फिल्म हिट रही। लेकिन एक फिल्म ने अर्श से उन्हें फर्श पर ला दिया। वो फिल्म थी हंसते रहना। इस फिल्म के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। फिल्म के हीरो थे किशोर कुमार, लेकिन कहा जाता है कि किशोर कुमार ने इतने नखरे दिखाए कि फिल्म को बंद करना पड़ा और दादा का बंगला और कारें बिक गई। आर्थिक तंगी के कारण दादा को मुंबई की चौल में रहना पड़ा। उन्होंने छोटे रोल्स फिल्मों में किए और 4 फरवरी 2002 को हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। कहना पड़ेगा किस्मत कब किसे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।